फ्रेंड, वेलकम टू आवर सिमाकामोना ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते सभी को। तो चलिए आज हम हेयर केयर रूटीन शेयर करेंगे आप लोग के साथ, जो कि राइस वाटर से, जो राइस वाटर हम लोग के बालों के लिए कितना फ़ायदा होता है, कितना हम लोग के बालों के लिए रीग्रोथ कराता है, हेल्दी होता है। तो आप लोग को वही एक पार्ट शेयर करेंगे हम आप लोग के साथ। आज सिर्फ राइस वाला वाटर, जिसको हम रात भर तक भिगो के रखा था, उसका प्रोसीड्यूर आगे में दिखाएंगे। तो आप लोग को बहुत सारा प्यार आ रहा मेरा हेयर केयर वीडियो में, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहा है, इसीलिए आप लोग का प्यार की वजह से हमको हर एक हफ्ते में जब भी बाल धोड़ा आप लोग को नया नया वीडियो लेके आना पड़ रहा। आप लोग का रिक्वेस्ट में मेरा सारा वीडियो चलता है। तो चलिए, आप लोग का प्यार के लिए फिर से आ गया मेरा नया वीडियो। आप लोग ये वाला हेयर केयर ज़रूर करके देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, घर से ही रेमेडीज से ही बन जाएगा। और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बालों में रीग्रोथ आएगा, बाल का लेंथ बहुत ज़्यादा मोटा होगा। मेरा बाल तो आप लोग को पता ही होगा, हम देखिए हमेशा ऐसा ही करके जुड़ा बना के रखते हैं। जब नाइट केयर में सोते हैं तो हम चोटी बना के रखते हैं। तो आप लोग चलिए आज का हेयर केयर वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, ये वाला राइस वाटर जो बनाने का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको घर का जो चावल होता है, नॉर्मल चावल जो आप लोग खाते हैं, तो वही चावल ले लीजिएगा। मेरा घर में जो चावल था हम वही ले लिया। तो थोड़ा बहुत चावल ले लिया, उसको मतलब आपका बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हम ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही ले लिया। उसके बाद उसको अच्छा से 2-4 बार धो लिया, क्योंकि चावल में बहुत सारा मिलावट रहता है, पाउडर वगैरह, केमिकल वगैरह रहता है, जो कि मतलब चावल को अच्छा रखने के लिए दिया जाता है। तो उसको अच्छा से धो लीजिएगा, जितना अच्छा होगा। हम बहुत अच्छे से धो लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी से ओवरनाइट भिगो के रखा था। ओवरनाइट भिगो के रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, और ऐसे आप 2-3 घंटा भिगो के भी कर सकते हैं वाला प्रोसेस। तो ये वाला बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लोग बहुत सुने होंगे कि नहीं, हमको नहीं पता। बालों या पेड़ पौधा में भी चावल का पानी देने से पेड़ पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये वाला हम लोग भी माँ ठामा दादी से सुना है। तो आप लोग को नहीं सुना होगा तो बता दे रहा, क्योंकि चावल का पानी जो होता है ना, उसमें बहुत सारा बीमारी भी जाता है। क्योंकि हम बहुत सारा हिस्सा सुने हैं, चावल का पानी से बहुत कुछ ठीक होता है। तो वैसा बालों के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसीलिए हम इसको एक कंटेनर में ले लिया था। तो मेरा कंटेनर उतना अच्छा से स्प्रे नहीं हो रहा था, बोल के हम थोड़ा बहुत कॉटन के सहारे से भी दिया। जैसे प्याज का रस जूस या लगाया जाता है, वैसे ही आप इसको भी अच्छा से स्कैल्प में रगड़ के लगा लीजिएगा। स्कैल्प में ये ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बालों का पानी ये जो चावल का पानी होता है, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लोग देखिएगा, इसका लाखों वीडियो होगा आप लोग के पास। तो हम ये वाला बहुत यूज़ करते हैं, आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रहे हैं। तो हमका स्प्रे ठीक नहीं लग रहा था, उतना अच्छा से स्प्रे भी नहीं हो रहा था, इसलिए हम स्प्रे बोतल को यूज़ नहीं किया। हम अपना हाथों से ही कंटेनर से कॉटन से बहुत अच्छे से लगा लिया। आप लोग भी बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, जितना अच्छे से लगाइएगा उतना अच्छा फ़ायदा देगा। देखिए, मेरा बाल प्राय भींगा हो गया था, बहुत ज़्यादा से लगा लिया था। तो हम ये बाद में बोलना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत स्मेल करता है। स्मेल उतना भी नहीं करता, ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ओवरनाइट अगर रखिएगा तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो हम तो शैम्पू नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आपका मर्ज़ी, आप शैम्पू कर भी सकता है। तो हम एक दिन रखेंगे और एक दिन इस पानी को बालों में रखने देंगे, उसके बाद दूसरा दिन शैम्पू करेंगे। क्योंकि कल है संडे, तो संडे को शैम्पू करेंगे। आप लोग तब भी शैम्पू कर सकते हैं। तो चलिए, वाला टिप्स आप लोग अप्लाई कीजिए और मेरे को फिर कमेंट करके बताइए आप लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है। आप लोग को प्यार के लिए मेरा नया वीडियो फिर आते रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्ते। आज का वीडियो यही पे एंड करते, बाय बाय। फिर मिलेंगे दूसरा ब्लॉग में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण।